देखा ये बेचारे बच्चे, कब इस बीमारी का इलाज निकलेगा और कब ये बच्चे गहरी नींद में से बाहर आएंगे? देखा बच्चों, देखा आप लोगों ने? मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ ना कि हाथ धो के ही खाना खाना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े। लेकिन तुम दोनों तो सुधर गए थे, बड़ी मुश्किल से हाथ धोकर खाना खाने की आदत पड़ी थी, फिर आज हाथ क्यों नहीं धोए? क्योंकि हम नाराज हैं। नाराज क्यों? क्योंकि आप हमें पंचगनी ले जा रहे हैं इसलिए। पंचगनी ले जा रहे इसलिए? अरे भाई तुम्हारी वजह से तो पंचगनी जा रहे हैं। हाँ, जानते हैं, इसलिए तो नाराज हैं। हाँ। हम आपकी हर बात मानते हैं। हाँ। हम अच्छे बच्चे बने रहते। हाँ। फिर भी आप हमें हॉस्टल भेजे? हाँ। बीच में बोले तो पीट दूंगी। हाँ। सॉरी सॉरी। फिर अच्छे बनने से क्या फायदा? हॉस्टल? कौन कौन हॉस्टल भेज रहा है तुम लोगों को? आप। अच्छा मैं, ये मैं भेज रहा हूँ? आप हमें हॉस्टल भेज रहे हो? आप हमसे प्यार ही नहीं करते। हमने तो सिर्फ आज के दिन हाथ नहीं दिया था, है ना मैं? हम तो रोज धोते हैं। अरे ओ नहीं 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 माने, नो नो नो, रोना रोना नहीं, रोना बिल्कुल रोना बंद। मैं तुम्हें हॉस्टल क्यों भेजूंगा बेटा? और किसने बताया मैं तुम्हें हॉस्टल भेजना चाहता हूँ? स्मिता तुमने बताया? अरे मैं तो सरप्राइज देना चाहता था, तुमने शॉक दे दिया। अरे मैंने कुछ नहीं बताया है। और बच्चों हम लोग पंचगनी पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तुम लोगों को हॉस्टल नहीं भेज रहे हैं क्या? पिकनिक? हाँ भाई पिकनिक। मैं तो खुद बच्चों को हॉस्टल भेजने के खिलाफ हूँ। शर्मा ऑफिस में बोल रहा था, मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है, दोनों को पंचगनी लेके जाऊंगा और हॉस्टल में डाल दूंगा। यही तो देखा था भविष्य बीन में। लेकिन फिर मैंने शर्मा को बताया कि भाई तेरे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले या उनको संस्कार अच्छे मिले, इस वजह से अगर हॉस्टल भेजना चाहता है तो सही बात है, लेकिन सजा के तौर पर डालना चाहता है तो ये बहुत ही गलत बात है। मानव देखा, मैंने कहा था ना कि हम हॉस्टल नहीं जाएंगे, देखा नहीं हुआ ना? बालपरी, जब से रानी परी को पता चला है कि पृथ्वीलोक के बच्चे नींदों की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तब से वो इसके इलाज को ढूंढने और समझने के लिए तपस्या कर रही है। और मुझे पूरा यकीन है वो जल्दी ही इसकी दवा भी बना लेगी। हाँ वो तो है। और हमें बालवीर को भी जल्द से जल्द बता देना चाहिए कि रानी परी दवाई बनाने की तैयारियां कर रही है, ताकि वो परेशान ना हो और बाकी सबको बता दे कि जल्द ही दवाई मिल जाएगी। नहीं बालपरी, ये समय सही नहीं होगा बालवीर को सब कुछ बताने के लिए। लेकिन क्यों? रानी परी जब भी कोई दवाई बनाती है तो वो जरूर असर करती है। मैं जानती हूँ बालपरी, लेकिन ये नींदियों की बीमारी एक नई तरह की बीमारी है और रानी परी भी पहली बार इस बीमारी का इलाज ढूंढ रही है। तो इससे पहले कि बालवीर पृथ्वीलोक के बच्चों को ये दवा दे, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दवा नींदियों पर असर करेगी भी या नहीं। माँ, अच्छा हुआ बल्लू तुम भी आ गए, अब तुम भी सुन लो, हम तुम्हें हॉस्टल नहीं भेज रहे हैं, ठीक है? तुम मानो और मेरी हॉस्टल जा रहे हैं? ए, हम में से कोई भी नहीं जा रहा, तो माँ और पापा हॉस्टल जा रहे हैं। अरे तू जान दे बल्लू, क्यों चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे है? महर तू बता ना कि हम लोग को ऐसा क्यों लग रहा था कि पापा हमें हॉस्टल भेज रहे हैं? वो क्या हुआ, बालवीर हमें मिला और हम दोनों को एक भविष्यबीन मिला, उसमें हम दोनों देख रहे थे कि आपके हाथ में छलनी है और उसमें कॉइन्स है, और हमने ये भी देखा कि पापा आपने वो रंगीन वाली शर्ट पहनी है जैसे अपनी अभी पहनी है, इसलिए हम लोग को लगा कि आप हमें सचमुच हॉस्टल में भेज रहे हैं। मानव महर, बेटा तुम लोग सचमुच सच्चे और अच्छे बच्चे हो, लेकिन एक बात बताओ, वो भविष्यबीन देखना नहीं चाहिए था तुम लोगों को? क्योंकि बेटा भविष्य मतलब एक हमारी सोच है और उसका कोई दायरा नहीं होता, और भविष्य को किसी दायरे में बांधना भी नहीं चाहिए। हाँ पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो अब सारी गलतफहमी दूर हो गई। चलो भाई अब सब लोगों की गलतफहमी दूर हो गई हो तो अब हम लोग पिकनिक चलें। ये पिकनिक जाएंगे। ये पिकनिक जाएंगे। ये पिकनिक जाएंगे।
सकते हैं कि हम पंचगनी ना जाए। क्यों? पर क्यों? क्योंकि टीवी पे बालवीर ने हम सब बच्चों से मच्छरों के खिलाफ अपनी जंग में शामिल होने के लिए कहा है। और पापा, पिकनिक तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अब बालवीर को हमारी मदद की बहुत जरूरत है। और बालवीर जो कुछ भी कर रहा है वो सब हम बच्चों की भलाई के लिए तो कर रहा है। बिल्कुल सही कहा मैं। अब पिकनिक कैंसिल और सफाई अभियान शुरू। मानो मैं तुम दोनों सच में अच्छे और सच्चे बच्चे हो, और सब बच्चों की एकता के सामने मुन्ना मच्छर और उसकी पलटंग कभी टिक नहीं पाएगी। मुन्ना मच्छर, पृथ्वीलोक पे अब तुम्हारा खेल खत्म। हमें ये पता चला है कि रानी परी निंदियों की बीमारी का इलाज जानने के लिए समाधि में लीन हो गई हैं। और भयंकर परी, अगर रानी परी और बाकी परियों ने मिलकर निंदियों की बीमारी को बेअसर करने की दवा ढूंढ ली तो क्या होगा? नहीं, इस बार ये भयंकर परी कोई भी वार खाली नहीं जाने देगी। तुम लोग परियों की हर चाल पर कड़ी नजर रखो। बहुत ही जल्द मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिसे मिलाने पर रानी परी कोई भी दवा बनाने वो बेअसर हो जाएगी। बच्चों ध्यान से सुनो, आज हम सबको मिलकर मच्छरों पर जोरदार आक्रमण करना है। हमारा वार इतना मजबूत होना चाहिए कि सब मच्छर हार मान जाए और उन्हें अफसोस हो कि हमने बच्चों पर वार क्यों किया। हाँ बालवीर, हम सब उन चीप मच्छरों को हम पर अटैक करने की फुल पनिशमेंट देंगे। बच्चों अब पूरे शहर में फैल जाओ और इस अभियान की शुरुआत करो। बालवीर, 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 बालवीर। ओ शाह जी, इधर भी सफाई उधर भी सफाई। अरे भागो, अरे जान बचानी है तो भागो रे। मजा आ रहा है ना? हाँ बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ चोर, हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और तू ये खड़ी खड़ी टाइम पास कर रहे हैं। तू अभी तक कहाँ था? वो मैं क्या अभी बकरी की तरह मैं कर रहा है? ये पकड़, ये पकड़, ये भी पकड़ और ये भी पकड़ एंड फॉलो मी, नहीं तो पीट दूंगी। हाँ मोंटू, ये मैं अभी देखता हूँ।
ये तुमने क्या किया मोंटू? दिखाई नहीं देता क्या? केले का छिलका फेंका छिलका। तुमने ये छिलका क्यों फेंका? क्यों? मैं सिर्फ केले खाता हूँ, केले के छिलके नहीं खाता हूँ। और वैसे भी तू कौन है मुझे बोलने वाला कि मुझे कहाँ फेंकना चाहिए और कहाँ नहीं? मोंटू मैंने अभी अभी वहाँ झाड़ू मारा था, इसीलिए तो मैंने साफ जगह पे छिलका फेंका। गंदी जगह पे छिलका फेंकना अच्छा नहीं होता ना। मोंटू तुम्हें ये कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए। क्यों? मैं यही फेंकूंगा। मुझे अगर इतना बुरा लग रहा है ना तो तू ये केले का छिलका उठा के डस्टबिन में डाल देना। जब तक तू वो छिलका डालेगा ना तब तक मैं और एक छिलका गिराऊंगा उधर। ये तुमने ठीक नहीं किया मोंटू। क्यों? बालवीर देख रहा है क्या? नहीं ना, तो जब बालवीर मुझे देखेगा ना तब भी मैं अच्छा बच्चा बनूंगा उसको इम्प्रेस करने के लिए, समझा? तब तक मैं ऐसा ही बच्चा रहूंगा। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जा जाके झाड़ू मार। अभी तक तो सुना था जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। आज तो देख लिया कि जो दूसरों के लिए छिलका फेंकता है वो खुद ही उसमें फिसल के गिर जाता है। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। ओरे बाबा, आज छोटे छोटे बच्चा लोग ने बड़ा बड़ा अटैक कर दिया अपन मच्छर लोग के ऊपर। भागो रे। हाँ, मेरे को भी लग रहा है आज अब उनकी लाइफ का लास्ट है। भागो। जान प्यारी है तो भाग भाग बसंती भाग। अरे तुम्हें भाग ले वीरू, भाग वीरू भाग। चला वीरू लौकर चला। अभी अभी हमें खबर मिली है कि मच्छरों के खिलाफ इस जंग में बालवीर के साथ बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, जम्मू जैसे कई शहरों से मच्छरों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बच्चे मैदान में उतर चुके हैं। जब से बालवीर सामने आया है निंदियों का एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन अहम सवाल ये है कि जो बच्चे निंदियों की चपेट में पहले से हैं, उनका क्या होगा? क्या डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज है या फिर इस बार भी बालवीर ही मझधार में फंसी इस नैया को पार लगाएगा? तुम यहाँ कहीं किसी ने देख लिया तो? बालवीर गए बुलाओ। नहीं देख सकता परीलोक वासियों को यहाँ कोई बिना उनके मर्जी के। अरे हाँ डोबड़वा बताओ कैसे आना हुआ? हाँ लाया वो संदेशा तुम्हारे लिए नटखट परी का। कर रही है सभी परियां कोशिश निंदियों का इलाज ढूंढने की। जैसे इलाज मिल जाएगा वो सूचित कर देगी आपको। शुक्रिया डुवाडुवा, शुक्रिया ये संदेशा मुझ तक पहुंचाने के लिए। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो डुवाडुवा, खुश रहो। हाँ, चलो संदेशा तो हो गया। अब मुझे ये बताइए, कर सकते हो तुम साफ सफाई छुटकी बजा के? तो फिर बच्चों को बेकार में काम पे क्यों लगाया? बेकार में नहीं डुवाडुवा, ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये सारा काम जादू से करूंगा तो इन बच्चों को साफ सफाई का असली मतलब समझ में नहीं आएगा। और ये बच्चे जहाँ साफ सफाई कर रहे हैं वहीं पे कचरा फैलाएंगे। गया समझ बालवीर, गया समझ। जैसे ये मोंटू समझ नहीं रहा है सफाई का सही अर्थ, कर रहा जगह जगह गंदगी केले के छिलके डाल के। डुबा डुबा मैं इस मोंटू को सबक सिखा के ही रहूंगा। हाँ डुबा डुबा, अब मैं तुम्हें एक बड़ा सा मच्छर बनाऊंगा जो सिर्फ मोंटू को ही दिखाई देगा। गया समझ बालवीर, गया समझ। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब आगे की कार्रवाई करेगा डुबा डुबा एक। आएगा बड़ा मजा, आएगा बड़ा मजा। Ba 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 ba
ए, तेरे को दिख रहे नहीं है सब कचरा पड़े छिलके पड़े, जा जाके साफ कर। अगर तूने इस केले के छिलके को नीचे डाला ना तो पीट दूंगी। एक मिनट क्या? पीट दूंगी। सिर्फ बोलती रह जे पीट दूंगी। पीट के तो बता। फिर देख, मैं तुम दोनों की कैसी चटनी बनाता हूँ। जाने दो ना मंटू जी, बच्ची है, नादान है। मैं जाने दे। बेटा है, गेंदा है, हाथी है। क्या बे? क्या बोला? मेरा मतलब आप गेंडे जैसे मोटे हो, हाथी जैसे स्ट्रांग हो। क्या? आप पावर हाउस हो, पावर हाउस। दैट्स बेटर। महेश, सीख ले अपने भाई से कुछ। महेश रहने दे ना, हम लोग कहीं और जाके साफ सफाई कर दे। मोंटू जी को यहाँ गंदगी करने दे। बिंदास गंदगी करो, हम लोग बाद में आके साफ कर लेंगे। क्या बात है, साफ कर लेंगे? ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग कब से चलो। हेलो, हम हैं महाराजा के महाराजा, मच्छरों के महाराजा। अब फैंसी ड्रेस कंपटीशन में से भाग के आयो ना, वैसे वैसे गंदी सी कॉस्ट्यूम को कुछ प्राइज नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ आप आ गए, आज वैसे भी मेरे दोनों दोस्त नहीं है, मैं बहुत पक गया हूँ। आप चलो मुझे तो कॉमेडी करके बताओ, मैं आपको इनाम के तौर पे पैसे दूंगा। लड़के, हम महाराजा के महाराजा है, कोई भिखारी नहीं। हाँ बोलो, तुम साफ सफाई क्यों नहीं कर रहे थे? अरे मुझे गंदगी फैलाने से फुर्सत मिले तो मैं साफ सफाई करूँ ना। वाह बेटा वाह, मुझे तुम जैसे गंदे बच्चे की तलाश थी। तुम जो गंदगी फैला रहे हो उससे हमारे मच्छरों के काम को बहुत फायदा हो रहा है। तुम्हारे जैसे गंदे बच्चे ना हो तो हम मच्छर तो बर्बाद हो जाएंगे। शुक्रिया गंदे बच्चे, शुक्रिया। थैंक यू। कुछ और काम होगा तो मुझे बताना। चलो अब मैं जा रहा हूँ। है ना? तो बोलो ना। हाँ मोंटू, हम तुम्हें मच्छरों का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। जो बच्चा साफ सफाई नहीं करता, सबसे ज्यादा गंदगी फैलाता है, हम उसे मच्छरों का प्रेसिडेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट? वाह, मैं बनूंगा प्रेसिडेंट। बोलो बोलो जी, क्या करना होगा? क्या करना होगा मुझे प्रेसिडेंट बनने के लिए? बोलो ना, क्या करना होगा मुझे? मुझसे कटवाना होगा। मैं तुम्हें इतना काटूंगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर मच्छरों के सारे गुण आ जाएंगे। आप काटोगे मुझे? कुछ भी मजाक करते हो। ए, अरे मुझे तो लगा था कि मजाक में काटोगे, पर आपने तो सच्ची में काट दिया। आप असली वाले मच्छर हो, फैंसी ड्रेस वाले नहीं, असली वाले मच्छर हो। नहीं, मैं तुम्हें इतना काटूंगा, बार बार काटूंगा, काटते रहूंगा। अरे मुझे तुम्हें मच्छरों का प्रेसिडेंट बनाना है, मैं तुम्हें काटूंगा। नहीं बनना मुझे प्रेसिडेंट, नहीं बनना।